कोरोना के कहर को देखते हुए देश में तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को तीन जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामले में कमी न आने से और लगातार बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। इसलिए यहां तीसरे लॉकडाउन यानी कि 4 मई से 17 मई तक किसी भी इलाके में कोई ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिलों के आधार पर इलाकों को बांटा गया है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सभी जिले 17 मई तक रेड जोन में ही रहेंगे। अगले 2 हफ्तों तक इन सभी इलाकों में किसी प्रकार की ढील नहीं देने का विचार किया गया है। दूसरे राज्यों से भी बात की जा रही है। जिस राज्य के नागरिकों को वापस भेजना है वो स्पेशल ट्रेन के लिए अनुरोध करेंगे, मेडिकल सहयोग भी दिया जाएगा। बता दें, सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में किया है। ग्रीन जोन यानी वे जहां अब तक कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है या पिछले 21 दिनों से किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है। रेड जोन, रेड जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहां नए मामले सामने आए हैं, जो पुष्ट मामलों की संख्या, मामलों के दुगने होने की दर और जांच के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑरेंज जोन यानी वो जिले जो कि ग्रीन या रेड जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं। रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, जिनमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और उससे संबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल हैं। बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 223 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3738 हो गए हैं। सरकार ने ये भी बताया कि यहां 2 और लोगों की मौत हुई है और कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 61 हो गई है। जाहिर है, केंद्र सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन आगे जारी रखने का ऐलान किया है।